मैडम स्पीकर, पूर्व में जब भारत में खनन का काम होता था तो वो बिना पारदर्शिता के लोगों को खनन के एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग का काम दिया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप लगते थे और कई प्रकार से फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन की सूचनाएं बाहर आती थी। कोयले की खदानों में भी ये सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया सीएजी रिपोर्ट के बाद, और लगभग लाखों करोड़ रुपए के घपले के कारण 204 कोयले की खनन को अलॉटमेंट ऑफ ब्लॉक्स को कैंसिल किया गया। उसको देखते हुए हमने एमएमडीआर एक्ट को भी अमेंड किया 12 जनवरी 2015 में, और एक्सप्लोरेशन के काम को और माइनिंग के काम को अलग अलग किया। एक बार जब आप एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक ही व्यक्ति को एक साथ दे देते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उसके अंदर कितना खान है, कितना मिनरल वेल्थ है, और बहुत सस्ते में ये माइंस चली जाती है। अब हमने नई रचना जो बनाई है उसमें पहले एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में, ऑक्शन होगा, टेंडर निकलेगा और बिडिंग के माध्यम से एक्सप्लोरर तय किए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन के डेटा को हम ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में डालेंगे, पूरी दुनिया उसको देख सकेगी कि एक्सप्लोरेशन का डेटा क्या है, और उसके बाद माइनिंग का जो लीज है उसको ऑक्शन नीलामी के द्वारा पारदर्शिता से बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को दिया जाएगा, और उसमें से जो पैसा आएगा वो पूरा राज्य सरकार के पास उनके विकास के कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए हमने एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET बनाई है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत, और करीब करीब 60 माइंस का एक्सप्लोरेशन का काम GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलग अलग सरकारी कंपनियों को दिया गया है। इसके अलावा हम प्राइवेट कंपनीज को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वो भी एक्सप्लोरेशन के काम में आए। उसके लिए एक प्रोसेस होता है एम्पैनलमेंट का, देश और विदेश की कंपनियों को एम्पैनलमेंट के लिए बुलाया गया है, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के द्वारा उनको एम्पैनल किया जाएगा। आज उल्टे लास्ट डे है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इश्यू हुआ लोगों को रजिस्टर करने के लिए, आज उसका लास्ट डे है। उसमें कंपनीज अगर टेक्निकली क्वालिफाई हो तो एम्पैनल होंगी, उसके बाद बिडिंग प्रोसेस से ये काम दिया जाएगा प्राइवेट एक्सप्लोरर्स को। मैडम स्पीकर, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सालों साल तक अवैध खनन भी चलता रहा और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे सदन को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने एक माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम अब लॉन्च किया है, जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके हर एक देश की जितनी मेजर मिनरल की माइंस है उस सबको स्पेस टेक्नोलॉजी से मैप आउट किया है और मॉनिटरिंग हो रहा है। और अभी तक जो ट्रिगर्स आते हैं जब स्पेस टेक्नोलॉजी से माइंड की बाउंड्री के बाहर कोई भी एक्टिविटी होती है तो एक ट्रिगर जनरेट होता है। लगभग 190 ऐसे ट्रिगर्स जो जनरेट हुए थे उस पे कार्रवाई की गई राज्य सरकारों द्वारा, और 29 केसेस डिटेक्ट हुए इलीगल माइनिंग के, जिसपे राज्य सरकारें उचित कार्रवाई कर रही है। ये एक प्रकार से पहला मूव है। 296 ट्रिगर जनरेट हुए कम समय में, 190 का वेरिफिकेशन हो गया है, बाकी 106 का स्टेट गवर्नमेंट्स वेरिफिकेशन कर रही है। लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ है कि आज सभी माइनर्स को मालूम है कि हम एक नजर है उनके ऊपर, और ऊपर से वो नजर है, एक दिव्य नजर है उनके ऊपर स्पेस टेक्नोलॉजी से, और इसलिए मुझे लगता है ये अवैध खनन के काम में एक ये बाधा बहुत बड़े रूप में MSS के द्वारा बनेगी।